हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। गोरा बच्चा चाहिए। श्रेया, हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चे का कलर निखर जाए। बच्चा पैदा हुआ था तभी अलग दिख रहा था, कुछ दिनों के बाद तो एकदम ही सावला सावला दिख रहा है, कुछ दिनों के बाद बच्चा बहुत ही अलग दिखता है। बच्चा तो अपने रूप और कलर चेंज करते रहता है, कभी कभी बच्चे का स्किन सुप्रीमली ड्राई हो जाता है। तो क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं ताकि बच्चे का ग्लो, स्किन का टेक्सचर, स्किन का सॉफ्टनेस, ये सब चीज़ें बढ़ जाए। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वो सारे टेक्निक्स जानेंगे, वो सारे टिप्स जानेंगे जिससे आप लोग बच्चे का कलर निखरने के लिए 100% हेल्प हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं बच्चे का स्किन। बच्चे का स्किन या हमारा स्किन दो लेयर से बना हुआ होता है। एक ऊपर का लेयर होता है विच इज़ मिलानिन पिगमेंट। मिलानिन पिगमेंट क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका स्किन कलर कैसा है। जैसे मैं विटिश हूँ तो ये विटिश पिगमेंटेशन है। इसके अंदर एक इलास्टिक कोट होता है जो आपके बॉडी का शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। आपके बॉडी में जैसे मैं पैदा हो गई, मेरा कितना भी इच्छा हुआ कि मुझे मेरा कोई इंटरनल ऑर्गन चेंज कर देना है, मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। एग्जैक्टली वैसे ही बच्चे के बॉडी में जो मिलानिन पिगमेंटेशन होता है, वो बेसिक पिगमेंटेशन का जो कलर है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। शायद मिलानिन पिगमेंटेशन का कलर किसके ऊपर डिपेंड होता है? जीन्स के ऊपर होता है, आप जिस एनवायरनमेंट या वेदर कंडीशंस में रहते हो उसके ऊपर होता है, मदर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, रूटीन फैमिली में कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसके ऊपर होता है। एंड फोर्थ थिंग, इट्स लॉट अबाउट द स्किन केयर। जितना अच्छे से स्किन केयर होता है उतना अच्छा बच्चे का कॉम्प्लेक्शन और ग्लो डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोग काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। बहुत गोरा बच्चा चाहिए श्रेया, हम लोग सांवले हैं फिर भी बच्चा गोरा होना चाहिए। गोरे बच्चे को लेके जो एक थोड़ा सा पजेसिव है उसके रिलेटेड देयर इज अ वंडरफुल स्टोरी जो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, वो स्टोरी आप लोग एक बार पक्का सुनना, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। नेक्स्ट थिंग, स्किन का कॉम्प्लेक्शन को लेके, जो ऊपर का लेयर है मेलानिन पिगमेंट का, वो हम बड़ों का काफ़ी थिक हो जाता है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं, इट्स अ मैच्योर्ड लेयर, जहाँ पे बच्चों का जो स्किन का ऊपर का लेयर होता है वो काफ़ी थिन होता है। सो बेसिकली इट्स कॉल्ड एज डेलिकेट या सेंसिटिव स्किन। तो उसका जो कोर जेनेटिक कलर है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट 100% हम लोग बच्चे का जो नेचुरल स्किन कलर है उसको एक ग्लो, एक सॉफ्टनेस, एक वाइब्रेंटनेस एंड यस अ बिट ऑफ फेयरनेस 100% दे सकते हैं। आप जानते हैं इसके लिए हम लोग को एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट थिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर कि बच्चा ओवरनाइट कलर चेंज नहीं करेगा। बच्चे यूजुअली पैदा होता है तो पानी में रहता है, 9 महीने बच्चा पानी के अंदर है, आप लोगों को पता है। पानी में हम लोग का स्किन काफ़ी रिंकल वाला हो जाता है, पील ऑफ हो जाता है, एग्जैक्टली सेम विद बेबी। बट बच्चों के स्किन का प्रोटेक्शन करने के लिए बच्चों के बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, बच्चों के बॉडी के ऊपर एक वैक्स का कोट होता है। तो बच्चे जब भी पैदा होते हैं तभी बच्चों के बॉडी के ऊपर वो बाल, वो वैक्स का कोट, वो पानी में रहना, उसकी वजह से बच्चा बहुत बार सफ़ेद सफ़ेद टाइप दिखता है। मतलब बच्चा विटेज भी है तो थोड़े सफ़ेद सफ़ेद पैचेस दिखता है, दैट्स ओके। जैसे जैसे आप बच्चे को नहलाओगे, मसाज करोगे, वो सब कुछ बैक टू नॉर्मल आने लग जाता है और बच्चे का एक्चुअल स्किन कलर आपको कुछ हफ्तों के बाद दिखाई देगा। श्रेया, बच्चों का जो स्किन ओरिजिनल स्किन पिल ऑफ होता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैदा हुआ बच्चा तो भी बहुत गोरा था, फिर वो स्किन पिल ऑफ हो गई, मालिश शुरू हो गई और बच्चा सांवला पड़ने लगा। इज इट बिकॉज ऑफ मालिश या सेक? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट अभी के लिए नहीं। ये पेट के अंदर का जो स्किन है वो यूजुअली ऊपर का लेयर बहुत सारे बच्चों का पिल ऑफ हो जाता है। ये ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है, ये पानी के मॉइस्चर की वजह से जिसमें बच्चा था उससे पिल ऑफ हो सकता है, वेदर कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो वो जाने के बाद जो ओरिजिनल कलर आपको दिखता है वो एक्चुअल में बच्चे का स्किन कॉम्प्लेक्शन है। तो ये आप लोगों को ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे डॉक्टर ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी, आपके बच्चे का ओरिजिनल कलर एक्चुअली आपको दिखाई देगा बच्चा 8 महीने का होने के बाद। तब तक बच्चा आइडियली हर महीने अपने स्किन का टेक्सचर, स्किन का कलर, स्किन का ग्लो चेंज करते रहता है, बिकॉज बच्चा भी तो बड़ा हो रहा है, स्किन का स्ट्रेचिंग होता है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जानते हैं वो टॉप 10 टिप्स जो आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बच्चों के लिए जो पानी यूज़ कर रहे हो वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए।
सो बच्चों के लिए जिस पानी से बच्चों को नहलाते हो वो पानी आइडियली वार्म वाटर, मतलब गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा, बहुत गर्म पानी से अगर बच्चे को नहलाओगे तो बच्चे का स्किन काला पड़ना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ठंडे पानी से बच्चे को नहलाओगे तो बच्चे का स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाता है और पील ऑफ होने लगता है। सेकेंड चीज़, बच्चे को पानी में बहुत देर के लिए नहीं छोड़ देना। बच्चे को पसंद है थोड़ी देर के लिए बच्चे को खेलने दो, बट बहुत ज़्यादा देर के लिए मत छोड़ो। बहुत देर के लिए अगर बच्चे को पानी में छोड़ोगे तो स्किन और ड्राई हो जाएगा तो वो रफ़ हो जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका ग्लो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट 100% बच्चा गोरा नहीं होता। थर्ड थिंग, टैल्कम पाउडर, पाउडर यूज़ मत करो। नहीं श्रेया, वो बहुत सारा पाउडर लगाने के बाद बच्चा गोरा दिखता है। बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने के बाद नमक लगाए हुए मूँगफली की तरह सा बच्चा दिखता है, विच इज़ नॉट ट्रूथ। आप लोग पाउडर से बच्चे को गोरा नहीं कर सकते। सो आइडियल हम लोग बोलते हैं बच्चे को पाउडर लगाना ही नहीं है। आपको बच्चे को नहलाने के बाद एक रिचुअल फॉलो करना होता है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिर बच्चे के जितने भी फोल्स हैं वहाँ पे पिंच से आप लोगों को सिर्फ पाउडर स्प्रिंकल करना है, वो भी मॉइस्चराइजिंग के बाद, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आप लोगों को पाउडर लगाना ही नहीं है। फिफ्थ थिंग, बेसन का आटा, मसूर दाल का आटा, आटे में हल्दी, आटे में मलाई डाल के अगर हम लोग घिस घिस के बच्चे को रगड़े तो क्या बच्चा का स्किन या बच्चा गोरा हो जाएगा? अगेन द आंसर इज नो। द वे आई टोल्ड यू, स्किन का कोट बहुत थिन होता है, उसके अगर आप लोग कोई भी चीज़ ज़ोर ज़ोर से रब करते हो तो वो बच्चे की स्किन को रैशेस क्रिएट करेगा, बच्चे के बॉडी के ऊपर दाने दाने आ सकते हैं, बच्चे को हल्दी से जो हीट होती है उसका तकलीफ़ हो सकता है। तो आप लोग को याद रखना है। नहीं श्रेया, तो क्या हम लोग बच्चे के लिए बॉडी पैक या उट्टन ऐसा कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं? यस, दैट्स द फिफ्थ टिप। बच्चों के लिए आप लोग उट्टन यूज़ कर सकते हो। उट्टन में एक बहुत अमेजिंग आइटम है, ये माई दुजा का बेबी उट्टन है, तो आप लोगों को माई दुजा के वेबसाइट से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। अमेजिंग प्रोडक्ट। द बेस्ट थिंग इज़ इसमें हल्दी नहीं है, इसमें बेसन का आटा नहीं है। ये बनाने के लिए वी हैव अ टीम मेंबर हु इज PhD इन आयुर्वेदा, और उनका सबसे इम्पोर्टेंट बात वही था कि बच्चों के उट्टन में या किसी भी चीज में आइडियली हल्दी का यूज नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप लोग हल्दी का यूज करते हो तो वो बच्चे के बॉडी में हीट क्रिएट कर सकता है। बेसन का आटा इज स्ट्रिक्ट नो नो। आप जो भी उट्टन या कोई चीज बच्चों के लिए यूज करते हो तो वो 100% रफ नहीं होना चाहिए। बिकॉज वो अगर रफ है तो बच्चे के स्किन को पिल ऑफ करेगा, रैशेस क्रिएट करेगा, जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिक्स्थ टिप, बच्चे का ऑयलिंग, कंपल्सरी बच्चे को ऑयलिंग करो। अगर आपको होममेड मिक्सचर ऑफ ऑयल्स चाहिए विथ अमेजिंग प्योर ऑयल्स, नेचुरल ऑयल्स, तो आप लोग माई दुजा का बेबी ऑयल ट्राई कर सकते हो, विच इज गिविंग लवली रिजल्ट्स। अगर आपको घर पर यूज करना है तो हर सीजन के लिए अलग तेल होता है। आइडियली हम लोग बोलते हैं हर तेल का फायदा होता है, इसलिए माई दुजा के तेल में हम लोग 7 से 12 तेल का मिक्सचर देते हैं। बट यस, आप लोग स्पेसिफिक सीजन, जैसे गर्मी के सीजन में कोकोनट ऑयल चलता है, ठंडी के सीजन में आप लोग बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, बारिश के सीजन में आप लोग बादाम का तेल यूज कर सकते हो। तो स्पेसिफिक सीजन के लिए स्पेसिफिक तेल अगर यूज करोगे तो बच्चे के स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और बच्चे के स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए भी हेल्प रखता है। बट बच्चे को तेलू तेलू करके रखोगे तो ग्लो नहीं बढ़ने वाला। तो बच्चे को तेल लगाने के बाद, तेल लगाते वक्त प्रेफरेबली थोड़ा सा वार्म ऑयल लगा। वार्म ऑयल लगाने से बच्चे के स्किन पे जो भी आप लोग मसाज करते हो, मेरे 9 और 6 साल के बच्चे में उनको अब तक मसाज देती हूँ, तो आप लोग जब भी बच्चे को प्रॉपरली मसाज देते हो वार्म ऑयल से तो बच्चे के बॉडी में, मतलब जो इलास्टिक कोट है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का स्किन का जो सॉफ्टनेस है, जो ग्लो है, जो टेक्सचर है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, स्किन भी मॉइस्चराइज होता है। इसलिए ऑयलिंग इज अ वेरी गुड आइडिया। 7th टिप, ऑयल रखना नहीं है। ऑयलिंग करने के बाद बच्चे को नहलाना या लुकवार्म वाटर से स्पंजिंग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप लोग ऑयल रखोगे तो ऑयली स्किन कभी भी फेयर कॉम्प्लेक्शन पे नहीं दिखता है, ऑयली स्किन हमेशा स्टिकी स्टिकी दिखता है और वो स्किन को और ज्यादा ऑयली बना देता है। तो स्पंजिंग या नहलाना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत। हार्श केमिकल वाले सोप्स स्ट्रिक्ट नो नो। आइडियल हम लोग बोलता है कि बच्चों के लिए आपको कोई भी अडल्ट का प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। यू शुड बी यूजिंग आपके बच्चों के लिए बेबी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आइडियल हम लोग बोलते हैं मोस्ट नेचुरल, लीस्ट से लीस्ट केमिकल यूज किए प्रोडक्ट।
अगर आप लोग माय दूजा का वेबसाइट देख सकते हो तो प्लीज चेक करो, वी हैव अ प्योर शिया बटर बेस्ड बेबी सोप, प्योर शिया बटर बेस्ड बेबी मॉइस्चराइजर। क्या बच्चे स्किन का सॉफ्टनिंग का काम करता है वो, जितना नेचुरल चीजें यूज करोगे उतना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। तो सोप मॉइस्चराइजर आप किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हो, यूजुअली मैंने देखा हुआ है पेरेंट्स उनको जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना बेस्ट क्वालिटी बच्चे को देना चाहते हैं, तो जितना बेस्ट आप लोग नेचुरल बच्चे को दोगे उतना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो सोप एंड मॉइस्चराइजर ये आपके बच्चों के लिए आपको राइट वे में यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइन्थ एंड सुप्रीमली इंपॉर्टेंट टिप, बच्चों के स्किन को आप लोगों को सन बाथ देना बहुत जरूरी है। बट याद रखो सन बाथ हम लोग इसके लिए दे रहे हैं ताकि बच्चे का नेचुरल विटामिन डी रीबिल्डिंग बहुत अच्छा हो सके, जो बच्चे के स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे की बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं मैं बच्चे को धूप ही नहीं देती हूँ बिकॉज मेरा बच्चा तो सांवला पड़ जाएगा, काला हो जाएगा, दैट्स अ बिगेस्ट मिथ। याद रखो हम लोग बच्चों को कौन से टेम्परेचर पे धूप देते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे का धूप बच्चों के लिए किसी काम का नहीं होता है, और एकदम 11-12 का एकदम कड़क वाला धूप बच्चे को सन बर्न दे सकता है। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं गर्मी के सीजन में 9-9:30 के आसपास वो वाला धूप जिसमें आप लोग को थोड़ा सा ठंडापन भी है बट वार्मथ फील होता है, वो वाला धूप बच्चे के फुल बॉडी को 5-10 मिनट के लिए देना इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। याद रखो उससे बच्चा लाइफ टाइम के लिए सांवला या काला नहीं होने वाला, ये आप लोगों को याद रखना। एंड 10th एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आपके बच्चे का नहाने का एक रिचुअल एक रूटीन होना चाहिए, जो अगर आप लोग फॉलो करोगे तो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन बहुत मस्त रहेगा। वो रूटीन कैसे हो सकता है, सुबह में या शाम में, कुछ लोग बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत रोता है नहलाते वक्त, चेंज द टाइमिंग, तो बच्चे नहीं रोते हैं। तो यूजुअली लोग बोलते हैं आप लोग बच्चे को पहले मस्त वार्म ऑयल से थोड़ा सा स्लाइट प्रेशर के साथ टेक्निकल मसाज करो, बेबी मसाज का वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करूँ, टेक्निकली राइट अगर आप लोग मसाज करोगे तो इट्स गुड। मसाज करने के बाद बच्चे को रैप करके अगर आप लोग को चाहिए तो फीड करा दो, यूजुअली बच्चे नहाने के बाद सो जाते हैं, मसाज के पहले फीड मत कराओ बच्चा प्यूक कर देगा। तो मसाज के बाद आप बच्चे को नहला सकते हो, फिर 5 मिनट के लिए बच्चे को ऑयल में रखो, बच्चे के बॉडी पे जब भी ऑयल है तभी बच्चे को धूप में मत रखना, इट विल क्रिएट एक्सेस टैनिंग जो हम लोग को नहीं चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बच्चे को बाथरूम में लेके जाना है और उत्तन का मिक्सर करना है, ये जो माय दूजा का बेबी उत्तन है इसको आपको वार्म मिल्क के साथ उसका मिक्सर करना, दिस इज ट्रेमेंडसली सॉफ्ट, ये बिल्कुल भी बड़े बड़े ग्रैनुल के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बिल्कुल भी बड़े ग्रैनुल्स के साथ नहीं, इट्स वेरी सॉफ्ट ऑन बेबी स्किन, और जेंटली आप लोग उसको बेबी के बॉडी पैक की तरह उस चीज को यूज करते हो, जस्ट अप्लाई। किसी को अगर उत्तन लगता है कि स्ट्रैंड मेरे बच्चे के बॉडी को उत्तन इतना सूट नहीं हो रहा है, आइडियली इस उत्तन को लेकर नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेंट आई हैव रिसीव्ड, बट अगर आप में से किसी को लगता है कि स्ट्रैंड मेरे तक ये उत्तन पहुंचना पॉसिबल नहीं, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज नेचुरल फ्रूट जूस। सो फ्रूट जूस को बच्चे की बॉडी के ऊपर ऐसे जेंटली आप लोग अप्लाई कर दो, उत्तन भी आपको 1-2 मिनट के लिए रखना है, फ्रूट जूस रखना है। उसके बाद आप लोग माय दूजा का सोप के बारे में बात करी, बट आप जो भी साबुन बच्चे के लिए यूज करते हो उससे आप लोग बच्चे को नहला देना है, ज्यादा गर्म पानी नहीं, ज्यादा ठंडा पानी नहीं, बच्चे के स्किन को पोंछना कभी भी नहीं है, पोंछोगे स्किन को तो वो रफ हो जाएगा, पील हो जाता है, तो बच्चे के स्किन को डैब डैब करके पोंछना होता है, वो कर दोगे फिर एक अच्छा नेचुरल सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, ऐसे अप्लाई करके बच्चे को नहीं लगाता है। सो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का भी तरीका होता है, आप बच्चे को जोकर बनाते हो एंड देन यू जस्ट स्प्रेड इट, जोकर बनाते हो स्प्रेड इट, जोकर बनाते हो देन यू स्प्रेड इट टू ईच पार्ट ऑफ फेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत प्रॉपरली हर जगह पे लगेगा, ड्राइनेस नहीं होगा बच्चे को, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। उसके बाद आप लोग बच्चे के सारे फोल्स में पाउडर स्प्रिंकल करते हो, और उसके बाद आपको अगर पॉसिबल है, मतलब डिपेंड्स ऑन टाइम कितने बजे नहला रहे हो, बच्चे को सन में रखो एक 5-10 मिनट के लिए, बच्चे को सन बाद दो, फिर बच्चे को कपड़े पहनाओ और फिर बच्चे का रूटीन सेट कर दो। अगर आप लोग ये रूटीन फॉलो करोगे तो क्या मस्त बच्चे का कॉम्प्लेक्शन ग्लो होता है, एंड यू विल ऑब्जर्व वो निखरता जाता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है। याद रखो जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं धूप की वजह से, काम की वजह से, प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, चेहरे में बदलाव आते रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा गोरे बच्चे के ऊपर पजेसिव मत हो, बहुत ज्यादा टाइम मत गला,
बट यस दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जो नॉर्मल होम केयर रूटीन से आप लोग इस चीज का केयर कर सकते हो. तो ये चीज पक्का करो एंड एंजॉय योर पेरेंटहुड. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.